एक एस्पिरेंट ये नहीं सोचता कि वो इतने टफ कंपटीशन में तैयारी कैसे करेगा बल्कि वो ये सोचता है कि टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करके एग्जाम कैसे क्रैक करेगा क्या आप भी एक एस्पिरेंट हैं और आपके अंदर भी पठान जैसा जोश और जज्बा है तो इस छह और सात फरवरी को हम आपके लिए लेके आए हैं आपको मिलेगी सभी टेस्ट बुक सुपर प्लेटफॉर्म के ऊपर के ऑफ बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलेगी लाइव क्लासेस स्टडी पीडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेक्चर टेस्ट सीरीज इतना ही नहीं आप जीत सकते हैं पठान मूवी के टिकट हर घंटे अरे भाई पढ़ाई से ब्रेक भी तो लोगे ना है ना तो अगर एस एस सी एग्जाम एल आई सी वी एस ए आई ए टी सी गेट एस पी एस सी सी एस कर रहे हो तो अभी का लाभ उठाइए बुक सुपर कोचिंग टेस्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में LIC, exams के लिए

इज इट क्लियर नाउ अभी आवाज आ रही है ठीक से आई थिंक इट इज ओके नाउ चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे चलते हैं स्पॉट दी एर के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत होगी यहाँ पर बताना है आपको कौन से पार्ट में एरर है डायरेक्शन्स uh, ठीक से पढ़ लीजिए डायरेक्शन के हिसाब से आंसर करना आपको ओके okay? चलिए सोमीदीप का आंसर आ भी गया लगेज हाँ लगेजेस भी गड़बड़ है ऑर्गेनाइज्ड टूर्स प्रोवाइडेड सैग वैगन व्हीकल्स टू हॉल लगेजेस फ्रॉम वन ओवर नाइट स्टॉप टू अनदर। तो इसमें लगेजेस में एस नहीं लगता नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म में आता है शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये लगेज देख के भी बहुत सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं हाँ मतलब अभी ये थोड़ा सा इश्यू हो गया फ्रॉम वन ओवर नाइट स्टॉप टू अनदर बट डीन प्रेफर्ड कैरिंग हिज ओन गियर रादर देन टेकिंग हाँ, वही तो एक्चुअली एरर वही है एक ही एरर है माय मिस्टेक सौम्यदीप आपका आंसर आई थिंक गलत हो गया क्योंकि रादर देन जो है ये प्रेफर्ड के लिए यूज नहीं किया है प्रेफर्ड कैरिंग हिज ओन गियर रादर देन टेकिंग समथिंग टू शिफ्ट थ्रू अ थाउजेंड सेट्स ऑफ बिलोंगिंग्स मुझे भी पहले वही लगा था कि प्रेफर्ड ये वर्ड जो है उसको देख के टू आना चाहिए देन नहीं आना चाहिए लेकिन ये दैन जो है वो रादर दैन वाला है ये अपने आप में एक सही कंजंक्शन होता है आई बात समझ में तो वही लग रहा था मुझे भी सी लग रहा था आंसर कि प्रेफर्ड के बाद दैन के जगह टू आएगा लेकिन सी आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पर एरर एक ही है लगेजिस में एरर है तो बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर होगा बी आंसर आप मार्क करके आएंगे ठीक है बिल्कुल सही आंसर है बी इज द राइट आंसर जितने लोगों ने बी दिया है वेरी गुड गाइज बहुत बढ़िया Next question Okay, take shall you next

सो so, यहां पर बहुत सारे एनिमल्स के नाम हैं बर्ड्स प्लूरल होता है स्कूरल्स चलता है चिपमंक्स चलता है रैकून भी चल जाता है लेकिन डियर्स नहीं चलता डियर ये एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर ही होता है जैसे शीप है एस एच डब्लू पी वाला शीप है ना तो ये डी पार्ट में एरर है डी आंसर आपका करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है क्या बात ठीक है आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन <coughs> Many economists believe that these market plunges are early manifestations of a historic slowdown in the Chinese economy. One that is bringing the country's soaring growth rates down to earth after three decades of expanding. Yes, Priyanshi, Yogaraj, Riyan, Shivani, Somhideep, they expanding expanding. Expansion is a bold Yanike. फोर्थ पार्ट में एरर होगा इसे आपका आंसर है बाकी लोग भी आंसर करेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन करेक्ट लगा के ना ये मोस्टली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है एक्सपेंडिंग इकोनॉमी एक्सपेंडिंग कंपनी एक्सपेंडिंग समथिंग उसके बाद कोई नाउन लगता है और वो खुद एडजेक्टिव का रूप ले लेता है बाकी सारे सेंटेंस में पूरा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है मैनी इकोनॉमिक्स प्लूरल हैं बिलीव भी प्लूरल आ गया सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट सही है डिलीव के बाद दैट चलेगा दीज प्लूरल फॉर्म में चलेगा क्योंकि प्लंजस प्लूरल है मार्केट प्लंजस आर वर्ग भी प्लूरल आ गया अर्ली मैनिफेस्टेशन अर्ली आपका एडजेक्टिव है मैनीफेस्टेश नाउन है ऑफ हिस्टोरिक स्लो डाउन स्लोडाउन नाउन है हिस्टोरिक एडजेक्टिव है मैनिफेस्टेशन के बाद ऑफ भी लग जाता है प्रपोजिशन करेक्ट है चाइनीज़ इकोनॉमी ये भी सही है नॉर्मली एक एक इस इस हमें किताबों में लिखा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफियस नहीं चलता लेकिन यहाँ चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है, है ना कंट्रीज सॉरिंग ग्रोथ रेट डाउन जो कंट्री है जो चाइना के बढ़ते हुए ग्रोथ रेट थे उनको जमीन पर लेके आगे आफ्टर थ्री डेकेड तीन दशक यानी कि तीस साल है ना थ्री इयर्स ऑफ एक्सपेंशन तीस साल के एक्सपांशन के बाद सारी चीजें नीचे आ गई जो भी है आंसर फोर आपका करेक्ट है नेक्स्ट इसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग एरर्स लग रहे हैं फोकस्ड में डबल एस लगता है क्या नहीं डबल एस क्यों लगाएंगे ग्रामर का एरर है वो कैब का एरर नहीं है इन द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स शेडो ट्रेनिंग ऑफिसर्स बिफोर रिटर्निंग फुल टाइम अच्छा एक मिनट फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर ओके बिफोर रिटर्निंग फुल टाइम फॉर अ थर्ड ईयर फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लीटिंग थीपर टी एच ई एस आई एस ये होता है सिंगुलर थीसिस और बहुत सारे थीसिस अगर हैं तो टी एच ई एसई एस ये होता है प्लूरल थीसिस जैसे क्राइसिस और क्राइसिस होता है ना वैसे ही और यहां पर उन्होंने पेपर दिया है यानी कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर पेपर के साथ आपको ये वर्ड चाहिए और अगर थीसिस लिखना है तो इसके बाद में पेपर्स प्लूरल नेचर में आना चाहिए बहुत सारे पेपर्स होंगे तो या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर यह कॉम्बिनेशन होगा गलती है इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग है तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फोर आई बात समझ में एक्चुअली देखा जाए वैसे तो स्पेलिंग का ही एरर है सिंगुलर प्लोरल नेचर ऑफ द नाउन और एडजेक्टिव उसका एरर ओके okay? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट अभी ये थोड़ा अलग पैटर्न में है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया अंडरलाइन किए हुए पार्ट के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं चार इनमें से कोई एक या दो सही हो सकते हैं या जो ओरिजिनली दिया है वो भी सही हो सकता है बताइए क्या होगा आंसर तो चलिए सबसे पहले तो देखिए अगर आपको हैड लिखना है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए इंपोज्ड ईडी लगा के आना चाहिए था स्ट्रक्चर गलत हो गया सी ऑप्शन का ठीक है फिर गवर्नमेंट ये जो नाउन है ये सिंगुलर है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर वर्ब के एंड में एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इंपोजेस ये जो है ये सिंगुलर वर्ब है ये चल सकता है लेकिन सिर्फ इंपोज ये नहीं चलेगा क्योंकि विदाउट ऐसा आ गया तो प्लूरल वर्ब हो गया ए ऑप्शन गलत है तो अगर ए ऑप्शन गलत है तो यहाँ पर भी इम्पोज है ऑप्शन नंबर फाइव में नो no इम्प्रूवमेंट में वो भी गलत हो जाएगा सो so ए गलत है सी गलत है ओनली ए वाला ऑप्शन हट दे, हटा देंगे सी वाला ऑप्शन हम हटा देंगे ए वाला ऑप्शन फिर से हट जाएगा तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आंसर आ जाता है ओनली बी बी आंसर ही करेक्ट है इम्पोजिस पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर ठीक है आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं एक तो इंपोस्ट है टेंस में आगे जाके कैन लिखा है प्रेजेंट फॉर्म में और पॉलिसीज बाय एग्रीकल्चर नहीं होता पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर होता है तो प्रपोजिशन भी गलत है इसलिए डी ऑप्शन भी गलत ही होगा ओनली बी है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट एरर आ गया। चलो ट्राई करो। अभी परसों सैटरडे के दिन शाम को हमारी एक मैराथन क्लास हुई थी एल एग्जाम्स के लिए ही दो घंटे की तो आप में से जितने लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो एक बार देख लीजिए जाके Uh, दो घंटे की क्लास है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस किए थे हमने उस वीडियो में आई हैव नो क्लू व्हाई ही इज सो ऑफेंडेड आई जस्ट आस्क वेदर एनी ऑफ द टू मेजर प्रेसिडेंशियल bring कुड ब्रिंग better फ्यूचर नाउ यहां पर देखिए प्रॉब्लम है एनी ऑफ द टू में क्योंकि जब टू आता है ना टू नाउंस टू मेजर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स मतलब क्या है दो कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं उनमें से कोई एक सो टू नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं ईदर लगाते हैं और मोर देन टू अगर होते हैं मोर देन टू अगर होते हैं तो उसके साथ एनी लगाते हैं यहां पर नेगेटिव में अगर लिखना है तो नीदर लिखते हैं और यहां पर नेगेटिव में लिखना है तो नन लिखते हैं आई बात समझ में ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है सो टू मेजर कैंडिडेट्स हैं, यानी के एनी नहीं सेंटेंस में गड़बड़ है तो सी आंसर आपका करेक्ट आएगा सिंपल क्वेश्चन no? है इजी है अभी दिखने में से बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस दिखते हैं लेकिन ध्यान से आराम से देखो कहां पर एरर मिल सकते हैं जैसे टू मेजर कैंडिडेट दिखाई दिया टू के साथ इधर लगता है नीदर लगता है, हमें पता है ईच लग जाता है एवरी नहीं लगता है ना सो एनी नहीं लगा सकते तो ये एनी वाला एरर मिल जाता है इफ वाले सेंस में वेदर सही लग रहा है सर हाँ चलेगा ना वेदर चलेगा यहाँ पर वेदर के साथ और आता है वेदर इधर ऑफ द टू कैंडिडेट्स कुड ब्रिंग बेटर फ्यूचर और नॉट और नॉट लिखना चाहिए था लेकिन वो इंप्लाइड हो जाता है फिर मान लीजिए कि आगे लिखा होगा शायद इफ भी लगा सकते हैं ठीक है शिवानी देखिए समझ में कम आ रहा है तो इट्स ओके देखिए समझ में अगर नहीं आ रहे कि एरर कहां पर ढूंढेंगे कहां पर स्पॉट होगा कौन से पार्ट में गलती होगी इसका मतलब यह है कि बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना जरूरी है ग्रामर के कॉन्सेप्ट ग्रामर के रूल्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन रूल्स को थोड़ा सा आप पढ़े पढ़िए डिटेल में पढ़िए ग्रामर को थियोरी क्लासेस अटेंड कीजिए सुपर कोचिंग में और प्रैक्टिस करते रहिए गिव अप नहीं करना है कुछ भी हो गलतियों से सीखना है समझना है और वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है ऐसे करते धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स आएंगे एक दो दिन में एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएंगे चलिए आई शी एंड यू विल कम टू द पिकनिक विच हैज बीन प्लैंड विद आवर फैमिली मेंबर्स एट यस्टरडेज डिनर अभी देखिए प्रोनाउन की क्लास में हम कितना बड़ा ये टॉपिक पढ़ते हैं कि जब मल्टीपल प्रोनाउन्स एक साथ आते हैं तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ये आपके दिमाग में आ ही जाता है तो इधर ये आई शी यू देख के ऐसे दिमाग में ऐसे

ऐसा बनना चाहिए और इसी वजह से ए पार्ट में ही एरर मिल जाता है और ए आंसर आप मार्क करके हाँ पर आ सकते हैं कितना सिंपल है अभी जो ग्रामर की किताबों में लिखा है उनके हिसाब से यस्टरडे को एस यस नहीं लगा सकते डिनर दैट वी है, है ना ऐसा सेंटेंस बनाते हैं लेकिन अगेन स्पोकन इंग्लिश में कोलोकअल इंग्लिश में नॉन लिविंग एंटिटीज के साथ एस का यूसेज चल जाता है तो अगर आपके सेंटेंस में किसी बोली भाषा में तो बोलते हैं तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि सही होगा कोई दूसरा एरर देखने की कोशिश करते हैं ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर मिलता है तो सही है नहीं मिलता है, तो फिर इसके साथ जाएंगे क्लियर नेक्स्ट अभी थोड़ा अलग डायरेक्शंस आ गए यहाँ पर कुछ पार्ट हाईलाइट करके दे दिया है लेकिन ए बी सी डी भी दे दिया है यानी कि क्या है देखते हैं डायरेक्शन स्टेटमेंट हैज डिवाइडेड फाइव वन इज बोल्ड एंड इज अ फिक्स पार्ट विच एरर जिसमें कोई एरर नहीं है जिसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं अदर पार्ट में ए बी सी डी में फाइंड द एरर फ्री पार्ट एंड मार्क दम एज योर आंसर रेड वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है बचे हुए पार्ट्स में एरर हो सकते हैं आपको एरर फ्री पार्ट ढूंढ के बताने हैं कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है ये बताना है ट्राई कीजिए <laughs> <coughs> all happy families सारी खुश फैमिलीज या सारे खुश परिवार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ए तो सही लग रहा है ओके okay, मतलब ए एरर फ्री है ए आना चाहिए आंसर के अंदर ए आंसर के अंदर आना चाहिए मतलब ये बी सीडी वाला जो है वो गलत हो जाएगा ऑल हैप्पी फैमिलीज आर लाइक ईच अदर वी ईच अदर चलेगा क्या शायद नहीं वन अदर हो सकता है each unhappy family okay is unhappy in their own way nahi in its own way kyunki family ye jo word hota hai na ye singular noun hota hai each family jab aap bolte hain to family ka nature singular ban jata hai ye word singular banta hai और इसी singular word के लिए singular pronoun का भी प्रयोग करते हैं आगे जाके यानी कि D part में error है डी में एरर है प्रोनाउन का तो डी आंसर हमारे सेंटेंस का या आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता ठीक है नो एरर भी नहीं आएगा क्योंकि एरर ऑलरेडी मिल चुका है अभी बचा ए बी सी या फिर ओनली एसी तो बी है हमारा ईच अदर अभी ईच अदर जो है वो सिर्फ दो नाउन के साथ यूज किया जाता है टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर टू फैमिलीज आर लाइक ईच अदर लेकिन हमें यहां पर ऑल हैप्पी फैमिलीज बोला गया है ऑल है यानी कि हमें दो से ज्यादा अज्यूम करने पड़ेंगे दो से ज्यादा ही होंगे तीन होंगे चार होंगे दस होंगे पता नहीं कितने होंगे लेकिन दो से ज्यादा होंगे तो ये ईच अदर नहीं चलेगा इसके जगह वन होना चाहिए था तो बी पार्ट में भी एरर मिलता है बी में एरर मिलता है तो एबीसी वाला पार्ट भी गलत हो गया सो आंसर नंबर टू नहीं सॉरी थ्री आंसर नंबर थ्री यहां पर करेक्ट ए सी ए सी इज द राइट आंसर एरर फ्री है ना अभी क्या है देखे स्पॉट दी एरर ही करना है लेकिन थोड़ा अलग टाइप से कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए रेड कलर का पार्ट दे देते हैं फिर पूछते हैं एरर फ्री का कॉम्बिनेशन बताओ थोड़ा सा ऐसे खाने की जगह ऐसे खा रहे हैं ठीक है <laughs> करना वही है सब कुछ चलो आगे बढ़ते हैं लाइक टू ईच अदर नहीं रवि रंजन ऑल फैमिलीज आर लाइक ईच अदर या फिर ऑल फैमिलीज आर लाइक वन अनदर यानी सारे की सारी फैमिलिया फैमिलीज जो होती है ना एक दूसरे के जैसे ही होती है ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है अभी इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया है फाइंड दरनस पार्ट बोल रहे हैं मतलब एरर वाले पार्ट आपको फाइंड आउट करने हैं आंसर ठीक से दीजिए ड्यू टू द साइक्लोन यास विच बैडली अफेक्टेड द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल द वॉटर एंटर्ड द रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द सेक्रेटरी एट बिल्डिंग देर बाय वेटिंग द पाइलिंग रजिस्टर्स एंड स्टॉक्ट ग्रेन इन देयर क्या होगा आंसर कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है आपको विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस पार्ट और पार्ट्स मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं पीयूष बोल रहे सी एंड डी ओके शिवानी आल्सो गोज विथ सी एंड डी आलोक कुमार सी एंड डी प्रियांशी बोल रहे हैं डी ओनली डी ओके इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर ओनली डी ड्यू टू द साइक्लोन यास ड्यू टू का मतलब बिकॉज ऑफ कौन सा साइक्लोन है साइक्लोन यास yes, एक डेफिनेट साइक्लोन है तो आर्टिकल द भी चलेगा कॉमा है साइक्लोन यास के बाद कॉमा के बाद विच आ जाता है तो विच ये करेक्ट है रिलेटिव एरर भी हो सकता था लेकिन सॉर्ट आउट हो गया कोई दिक्कत नहीं है बैडली अफेक्टेड बुरी तरीके से परिणाम किया बैडली का इस्तेमाल सही हुआ है नेगेटिव टोन में है बहुत बुरी तरीके से परिणाम किया किसके ऊपर द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल है ना वेस्ट बंगाल के जो समुद्री तट के इलाके हैं उनके ऊपर द वॉटर एंटर्ड द रूम्स पानी जो है इस साइक्लोन यास के वजह से रूम्स में चला गया कहां तक ऑन द फर्स्ट फ्लोर फ्लोर के साथ ऑन लगाते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन द थर्ड फ्लोर ऑन द फिफ्थ फ्लोर तो ऑन का प्रयोग भी सही है तो फर्स्ट के पहले द चलता है ऑर्डिनल के पहले द चलता है और किसके फर्स्ट फ्लोर सेक्रेटरियट बिल्डिंग जो सेक्रेट्रियट बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के पहले मंजिल तक पानी चला गया कमरों तक देर बाय देर बाय मतलब उसके वजह से कॉन्सिक्वेंटली ये पानी जो चला गया उसकी वजह से क्या हुआ वेटिंग वेट कर दिया पानी ने गीला कर दिया किसे पाइलिंग रजिस्टर्स पाइलिंग मतलब एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक पाइल होते हुए फाइल्स या फिर रजिस्टर्स उनको गीला कर दिया एंड स्टॉक्ट ग्रेन्स स्टॉक्ट ग्रेन्स यानी कि जो स्टोर किए हुए धान है उनको वेट कर दिया इन देर इन देर या सिर्फ देर फोर्थ में एरर कहां पर है फोर्थ में एरर आप तो सही फाइंड आउट कर लिया है लोगों ने डी पार्ट में लेकिन देयर बाय वेटिंग द पाइलिंग रजिस्टर्स सही है एंड स्टॉकड ग्रेन्स आप बोलेंगे सर स्टॉकिंग ग्रेन्स होगा क्या नहीं यहां पर रजिस्टर्स आपका नाउन है और पाइलिंग आपका एडजेक्टिव है विशेषण है और एंड के बाद ग्रेन्स आपका नाउन है और स्टॉकड आपका विशेषण है

वहां पर मेरे ख्याल से इन और देर के बीच में इन नहीं होना चाहिए था वो वाला एरर हो सकता है या फिर आप बोल सकते हैं पाइल्ड मतलब है है भी एक प्रकार से सेम होना चाहिए कि अगर धान जो है, वो स्टॉक हो चुका है तो रजिस्टर्स भी पाइल हो चुके हैं इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं स्टॉकिंग तो नहीं चलेगा लेकिन फिर पाइलिंग का पाइल्ड कर सकते हैं तो या तो ये एरर आपको लग रहा है तो आप मार्क कर सकते हैं इन देर भी चल सकता है लेकिन

हर ओनली ड्रीम इन लाइफ इज टू क्लिकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ स्टनिंग लोकेल्स अभी देखे यहां पर सिलेक्ट दी ऑप्शन विच कंटेन्स एररलेस कॉम्बिनेशन हर ओनली ड्रीम इन लाइफ इज टू क्लिकिंग नहीं यहां पर आएगा टू क्लिक यानी कि ए पार्ट में एरर है ए आंसर आपके सेंटेंस का हिस्सा आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता तो जिधर जिधर ए है वो सारे हट जाएंगे और नो no एरर भी हटेगा क्योंकि ए में एरर मिल चुका है आंसर नंबर टू बी सी और डी कितना करेक्ट कितना सिंपल है बस ये टू क्लिकिंग का बनेगा टू क्लिक ये देख के ये आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर टू पांच सेकेंड दस सेकेंड के अंदर आंसर आ जाता है ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट अपना ये नॉर्मल स्टैंडर्ड स्पॉट दी एरर है एक ही एरर है इसमें जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिए मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 12 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है सो आपको रेगुलरली आना है सेशन में और दूसरी बार टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अल्का इज एन ओम्ब्रोफोबिक ओम्रोफोबिक मतलब ऐसे लोग जो बारिश से डरते हैं ओम्रोफोबिया एंड एन इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भी है मतलब क्या है कि अपने इमोशंस को अपने पास ही रखती है अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करते ज्यादा ओपन अप नहीं हो जाते लोगों के साथ बींग अ रेनी डे वो एक रेनी uh, डे था अल्का डिसाइडेड टू स्टे बींग रेनी डे के साथ फिर क्या लगेगा इट बींग अ रेनी डे इट लगना चाहिए कि वो एक रेनी डे था इसीलिए अलका ने घर रहने का डिसीजन ले लिया एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द अरिथमेटिक प्रॉब्लम अगर आपने बींग के पहले इट नहीं लगाया ना तो अलका बींग अ रेनी डे ऐसा मीनिंग बनता है कि अलका ये एक बारिश वाला दिन है लेकिन अलका कोई दिन नहीं है अलका एक लड़की है दिन बारिश वाला है इसीलिए बींग के पहले इट का लगना होना जरूरी है लगा होना जरूरी है तो आपका एरर जो है वो कौन से पार्ट में आता है बी पार्ट में आता है बीइंग के पहले इट आएगा सो आंसर नंबर टू हियर इज द राइट आंसर ठीक है यस yes, बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट मेनी अ डाउट ऑन हिस्ट्री वेर क्लियर इन द रेमिडियल क्लास दस प्रूविंग द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ सच इनिशिएटिव्स सिंपल है बहुत आसान है मेनी के बाद जब आर्टिकल ए लगता है तो ए के बाद आने वाला जो नाउन है ये सिंगुलर होता है डाउट ये सिंगुलर है और नाउन अगर सिंगुलर है तो आगे जाने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही लगाते हैं तो वेर क्लियर का बनता है वॉज क्लियर दो तरीके से लिख सकते हैं इसको मेनी के बाद आप सीधा डाउट्स लिख सकते हैं एस लगा के और फिर डाउट्स अगर आ गया तो वेर क्लियर चल सकता है लेकिन आप मेनी के बाद जब आर्टिकल लगाते हैं ना ए या फिर एन तो डाउट्स का बनता है डाउट सिंगुलर नाउन बन जाता है और वेयर का बनता है वॉज सिंगुलर वर्ब बन जाता है ये चेंजेस होते हैं ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है दोनों सही तरीके हैं बोलने के है ना तो आर्टिकल ए आया है तो क्या करेंगे हम वर्ब को चेंज करेंगे वेयर का बनेगा वॉज और बी पार्ट में एरर है बी आंसर आपका सही है आप बोलेंगे सर उल्टा क्यों नहीं करेंगे वर को वेर लिख देते हैं और आर्टिकल ए हटा देंगे और फिर यहां पर डाउट्स का डाउट कर डाउट का डाउट्स कर देंगे तो उस केस में ए पार्ट में एरर होगा <laughs> ये सोच के ए आंसर देने वाली जनता भी है लेकिन ऐसे नहीं करते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मोस्टली सब्जेक्ट को देख के वर्ब चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते समय अगर लेफ्ट में जो चीज आती है क्या वो सही है इज दिस करेक्ट तो इट इज करेक्ट तो अगर ये सही है ना तो इसको सही मान के चलते हैं और बाद वाले को चेंज करते हैं बाद वाले को देख के पहले वाले को चेंज नहीं करते उल्टा नहीं आएंगे लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट यस yes, बिल्कुल सही कहा प्रियांशी नेक्स्ट अभी ये कुछ सिंगल फिलर्स है जो कि बहुत बहुत आसान है वेरी इजी बच्चा भी सॉल्व करेगा इतने आसान फिलर्स हैं कुछ टफ फिलर्स आएंगे बाद में टेस्ट हम करेंगे तब लेकिन ये वाले तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं एक ही मैन है तो सम तो बिल्कुल नहीं आएगा वन आइड मैन में वन का ओ मत देखिए स्पेलिंग मत देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं वन है ना व का उच्चार है वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है वॉवल साउंड नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है व का प्रोनाउंसिएशन है मतलब आर्टिकल ए लगेगा एन नहीं लगा सकते तो एन नहीं लगा सकते यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत है आई सॉ नो वन आइड मैन मैंने वन आइड मैन देखा ही नहीं तो ऐसा क्यों सेंटेंस बनाएंगे देखा नहीं तो सेंटेंस फोर भी गलत बनता है आई सॉ द वन आइड मैन अभी आप अगर द लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस के आगे कुछ और मेंशन करना जरूरी है द लगाने से वो जो एक आंख वाला आदमी है वो डेफिनेट बन जाता है आई सॉ द वन आइड मैन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट और हु यू वर टॉकिंग अबाउट आई सॉ द वन आइड मैन हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली आई सॉ द वन आइड मैन हु स्टेज थ्री ब्लॉक्स डाउन द रोड मैन डे तो होना चाहिए उस वन मैन के बारे में आगे एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको डेफिनेटली वही आदमी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेंट वो मेंशन करेगा तो दल नहीं लगा सकते उस वजह से तो द आंसर गलत होता है तो आंसर क्या आएगा ए आई सॉ इडमैन एक आंख वाला आदमी मैंने देखा बस इतना ही सेंटेंस है सो आंसर ए इज द राइट आंसर बिल्कुल नेक्स्ट सेम सेम टाइप का लॉजिक है यहां पर भी आई मेट डैश ओल्ड वुमन ऑन द ट्रेन उंड ओल्ड सो कैन वी राइट एन ओल्ड वुमन बिल्कुल लिख सकते हैं है ना वुमन सिंगुलर है तो सब नहीं चलेगा द ओल्ड वुमन अगर लिख दिया तो वगेन कौन सी ओल्ड वुमन जिसकी हम बात कर रहे थे पहले तो डेफिनेट होना चाहिए नहीं चलेगा बिकॉज़ देयर इज नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन बी अबाउट दिस वुमन सो द आर्टिकल इज आल्सो रॉन्ग सो वी कैन से आई सॉ एन ओल्ड वुमन अ ओल्ड वुमन इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज़ ओल्ड हैज अ वॉवेल साउंड सो आर्टिकल ए कैन नॉट बी द आंसर है ना सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस नेक्स्ट ये वाला बताइए नाउ ही डैश अबाउट न्यू कार एज हिज ओल्ड वन इज नॉट वर्किंग एंड रेट्स ऑफ न्यू मॉडर्न कारानी वाली जो गाड़ी है वो काम नहीं कर रही है ठीक से और नए गाड़ियों के जो दाम है रेट्स है वो रनिंग डाउन हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं तो अभी इसलिए वो सोच रहा है कि वो गाड़ी खरीद ले ही इज थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बाकी के भी टेंस इज वर्किंग उन तो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस चलेगा बनता है नेक्स्ट वर्ड स्वपिंग अभी वर्ड स्वपिंग में कौन सा वर्ड ए बी सी डी है आपको पता चल गया होगा जिस वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है ये आपके वर्ड है ठीक है फिर भी मैं हाईलाइट करके दे देता हूं आप लोगों को तो पता चलेगा ए कौन सा है बी कौन सा है सी कौन सा है डी कौन सा है इनमें से कोई दो वर्ड्स अपनी जगह पर सही नहीं है इंटरचेंज करने हैं स्वॉप करने हैंजली स्टू ले स्ट्यूअर्ट रोज रोज यानी कि राइज का पास गुलाब वाला रोज नहीं है ये राइज का past tense है ना, राइज ये होता है और रोज इसका एजेंट मतलब से ओनर बन गई वो ऑफ सम बेस्ट न्यूज पेपर यहां पर आएगा न्यूज पेपर यानी कि सी और डी इंटरचेंज हो रहे हैं सी और डी ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर सही है. bcq इंटरचेंज हो गए भाई ये रोज करेक्ट है राइज़ हो गई वो कहां से राइज़ हो गई फ्रॉम बीइंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंट एक एडवर्टाइजिंग एजेंट थी वो और वहां से ओनर बन गई वो यहां पर आएगा ओनर तो c का आंसर d के साथ इंटरचेंज होगा और किसकी ओनर बन गई सम ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स इन वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी में जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स थे उनमें से बहुत सारे या उनमें से कुछ न्यूज़पेपर्स की वो ओनर बन गई आई बात समझ में सी और डी इंटरचेंज हो रहे हैं ध्यान से इंटरचेंज करिएगा गाइस आसान होते हैं ये क्वेश्चंस गलतियां नहीं करनी है सिली मिस्टेक्स नहीं करने यहाँ पर नेक्स्ट हरमाइनी हरमाइनी आपको पता है कैरेक्टर है बहुत फेमस कैरेक्टर फ्रॉम हैरी पॉटर वॉन्टेड मैजिशियन इन द बंक्ट नहीं इन द हिस्ट्री दुनिया की या इतिहास की सबसे बेस्ट मैजिशियन उसको बनना था तो इधर आएगा सी ऑफ हॉगवर्ड्स एंड दस शी नेवर बंक्ट एनी ऑफ हर क्लासेस कभी भी उसने एक भी क्लास मिस नहीं किया तो इधर बंक्ट आएगा इधर हिस्ट्री आएगा बी और सी इंटरचेंज हो रहे बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर टू आपका आंसर करेक्ट आएगा ঠিকে হাৰ মাই গ্ৰেঞ্জৰ প্লেড বাই এমাছন নেক্সট ये लिखते समय जीन लिखते हैं लेकिन उसका उच्चार कुछ अलग होता है शीन के जैसा उच्चार होता है ये फ्रेंच वर्ड्स का जो है ना ये प्रोनाशिएशन का वही इशू है स्पेलिंग कुछ और होता है बोलते कुछ और हैं, है ना एन -E आप बोलेंगे सर जीन लग रहा है लेकिन वो एस के जैसे उच्चार होते शॉन शीन के जैसे उच्चार शीन वाल शीन

नेक्स्ट डोरियन वॉज पोर्ट्रेट ब्यूटीफुल तो नहीं आएगा डोरियन वॉज गिफ्टेड आ सकता है डोरियन को यहां पर गिफ्ट दिया गया क्या गिफ्ट दिया गया डोरियन को अ पोर्ट्रेट एक खूबसूरत पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट यानी कि पेंटिंग तस्वीर है ना ऑफ हिमसेल्फ खुद की तस्वीर दे दी थी उसके ने, उसके बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड ने ने या डियर जिसका नाम था बेजिल बट ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज कर्स्ट करस्ट करेक्ट है फ्रेंड करेक्ट है लेकिन डोरियन को पता ही नहीं था कि वो जो तस्वीर है वो कर्स्ट यानी कि शापित है तस्वीर में कुछ ब्लैक मैजिक था ये आंसर करेक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का क्लोज टेस्ट पांच फिलर्स वाली क्लोज टेस्ट है आराम से सॉल्व करेंगे धीरे धीरे टेक योर टाइम सारे ऑप्शन को पढ़िए पैराग्राफ को पढ़िए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर द न्यू प्रोडक्ट इज डैश प्लीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ text इन एन easy टू रीड मैनर कोई नया प्रोडक्ट बनाया है जिसमें टेक्स्ट है बहुत सारे है ना वर्ड्स हैं कुछ पढ़ना है और कैसा है इजी टू रीड मैनर है फॉन्ट अच्छा है साइज अच्छा है और स्पेसिंग अच्छी है तो पढ़ने में आसानी होती है कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता पढ़ने में तो ऐसी कोई चीज जो दिखने में अच्छी है पढ़ने में अच्छी है तो उसको हम क्या कहते हैं कैसा प्लीजिंग है Sarcastically pleasing तो नहीं बोल सकते क्योंकि sarcasm ये टॉन्ट लगाना होता है दूसरों को मजाक उड़ाना होता है दूसरों का इसमें बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं है ऐसा बोल बोलने की कोशिश तो हम नहीं कर रहे हैं तो इन लॉजिकली प्लीजिंग नहीं इन एडिकुएटली प्लीजिंग है क्या बहुत कम प्लीज हो रहा है बहुत कम खुशी हो रही है वो देख के नहीं एस्थेटिकली या एरेटिकली एरेटिक का मतलब क्या होता है जिसका कोई समथिंग विच इज रैंडम जिसका कोई पैटर्न नहीं है एरेटिक रेनफॉल बोलते हैं मतलब पैटर्न ही नहीं है कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है एरेटिक बिहेवियर बोल सकते हैं कभी भी गुस्सा हो रहा है कभी शांत हो रहा है कभी खुश हो रहा है कभी दुखी हो रहा है एरेटिक यानी कि हैविंग नो पैटर्न तो जिसका कोई पैटर्न नहीं है वो भी नहीं चलेगा एस्थेटिकली एस्थेटिकली का मतलब होता है जो देखने में अच्छा है समथिंग विच फील्स गुड बाई एट इट बाई लुकिंग एट इट इसको देख के अच्छा लगे उसको हम कहते हैं आंसर नंबर ठीक है uh, प्रियांशी आदित्य सर अभी चार, दिन, चार या पांच छुट्टी पे हैं तो एडिटोरियल की क्लासेस अभी चार पांच दिन होल्ड पर रहेंगी और जब वो वापस आएंगे अपनी छुट्टी से तो एडिटोरियल की क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी आप सबकी ठीक है <coughs> Next. सेकेंड क्वेश्चन द आईज रैन थ्रू द कॉलम्स डैश विदाउट स्ट्रेन तो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में जो टेक्स्ट दिया गया है और कैसा टेक्स्ट है इजी टू रीड मैनर में कॉलम्स में दिया गया है तो जब आप उसको देखते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो आइज है आपकी जो आंखें हैं रन थ्रू रन थ्रू द कॉलम्स मतलब उन कॉलम्स से ऐसे आपकी नजरें घूमती है कैसे डैश एंड विदाउट स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेन यानी कि आंखों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आता बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं तो कोई चीज जब बहुत इजीली होती है तो उसको हम क्या कहते हैं सीमलेसली का मतलब होता है फ्लॉलेसली गलती ही नहीं है एकदम फ्लॉलेसली मेरी आंखें जो है वो इस टेक्स्ट को पढ़ पा रही हैं. आई बात समझ में? तो ए आंसर यहां पर करेक्ट आएगा फ्लॉलेसली सावधानी से आंखें मेरी पढ़ रही है नहीं अल्टीमेटली फाइनली जाके मेरी आंखें पढ़ रही हैं? नहीं कॉन्शियसली का मतलब एफर्ट्स डाल के कॉन्शियस होके है ना दिमाग को फोकस करके नहीं और ऑब्वियसली का मतलब होता है जो बहुत ही ऑब्वियस है जो पता चल जाता है जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं है तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है वन और टू में लेकिन सीमलेसली ये बेटर वर्ड है क्योंकि आगे विदाउट स्ट्रेन ये वर्ड दिया गया है ठीक है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन The makeover has dashed the reading experience. तो ये जो ऐप में जो प्रोडक्ट में हमने जो मेक ओवर किया है जो बदलाव लाए हैं उस पूरे मेक ओवर ने रीडिंग एक्सपीरियंस को पढ़ने के हमारे इस को क्या कर दिया है एकदम तो एनहांस कर दिया है इम्प्रूव कर दिया है क्योंकि तो अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं टेक्स्ट जो है वो दिख छिप नहीं रहा है कहीं पर विदर करने का मतलब या विदर होने का मतलब होता है बिखर जाना थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होके बिखर जाना नेगेटिव वर्ड होता है स्टैगर्ड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं स्टैगर्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं स्टैगर्ड कोई चीज यानी कि क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव वर्ड है है ना यानी कि एक जगह पर रुकी हुई फॉलो करना किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना एंडेवर्ड कोई नया एंडेवर कोई नई काम की शुरुआत बॉल्सटर बोलस्टर का मतलब होता है इंप्रूवड बॉलस्टर का मतलब होता है यहां पर इंप्रूव आंसर नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट the changes reflect great care and attention to detail in one word the hindu in its new format has been dash hmm. बिल्कुल सही बिल्कुल सही यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 अनपुट डाउनएबल तो बेसिकली ये द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में आर्टिकल आ गया देखिए तो द दे हिंदू ने अपना फॉन्ट चेंज कर दिया है टेक्स्ट का जो मैनर है कॉलम्स को लिखने का वो चेंज कर दिया इसलिए आंखों के ऊपर स्ट्रेन कम आता है पढ़ सकते हैं कंटिन्यूसली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो ये जो है इन इट्स न्यू फॉर्मेट हैज बिकम अनपुट डाउनेबल अनपुट डाउनेबल मतलब जिसको आप लिटरली यहाँ पर पुट डाउन नहीं कर सकते नीचे नहीं रख सकते अनपुट डाउनेबल एक बार न्यूजपेपर हाथ में ले लिया पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो कंटिन्यूसली पढ़ने की इच्छा होती है रुकने का मन ही नहीं करता जनरली ये वर्ड बुक्स के साथ यूज करते हैं कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं बहुत ही एनग्रॉसिंग है स्टोरी बहुत ही गजब की है तो आप बोलते हैं कि दिस इज एन अनपुट बुक दैट आई एम डाउन एबल बुक तो ये आपका आंसर आता है बाकी सारे ऑप्शंस तो ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हिंदू का नशा द हिंदू रीड करना बहुत बहुत जरूरी है competitive exams के जो तैयारी करने वाले हैं, आपकी डेली लाइफ का ये हिस्सा होना चाहिए. ब्रेकफास्ट और लंच मिस नहीं करना है लाइफ में कभी भी लास्ट फिलर देखते हैं द डेली द डेली यानी कि न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर को डेली भी कहा जाता है ना क्योंकि वो डेली आते हैं

है ना होली कंटेंट तो फ्री है आपके लिए लेकिन जो फैक्ट हम दे रहे हैं ना ये फैक्ट पवित्र है कंटेंट तो सब सब देते हैं हर जगह आपको मिलेगा फैक्ट आपको सिर्फ एक जगह मिलेगी फैक्ट्स आर सेक्रेड सेक्रेड यानी कि पवित्र प्योर ओके सो एडवांस कॉज ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड जस्टिस ओके क्लियर है चलिए बी विस्कर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग में बता देता हूं आपको मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। बी is having long whiskers. जो होते हैं ना बिल्लियों को ऐसे ऐसे बाल बड़े से से कैट ऐसे, को कैट्स को उनको कहते हैं। हैज लॉन्ग ओके तो ये था हमारा आज का सेशन I hope you guys enjoyed the class. Session अच्छा लगा है, तो like and share करें टेलीग्राम पर जुड़िएगा ये मेरा आईडी है स्कैन कर लीजिए फोन से पर पर आप जुड़ सकते हैं ओके okay? और ये नई अनाउंसमेंट क्लास के पहले भी बताई थी सिक्स एंड सेवेंथ फेब्रुवरी ब्लॉक बस्टर सेल चल रहा है एल आई सी डबल के लिए आपका तीन हजार का जो कोर्स है वो मिल रहा है आपको नाइन हंड्रेड रुपीज में अप टू सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना है के ए यू एस टी यू बी एच एम का उसतुभ एम और लकी विनर्स को देखिए मूवी टिकट मिलने वाली है पठान फिल्म की तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं पांच सौ टिकट है और वो भी मतलब चांसेस बहुत है आपको टिकट्स फ्री टिकट्स मिलने के और ये आपका एल असिस्टेंट का भी है तीन हजार का आपको मिल रहा है सिर्फ टू सिक्सटी नाइन में ये भी थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन सेम कोड अप्लाई करना है फॉर द डिस्काउंट इन दोनों की लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है चलिए सो सेशन को लाइक एंड शेयर करें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्रेस द आइकन फॉर नोटिफिकेशन कल फिर मिलेंगे दोपहर को बारह बजे ऐसे ही एक और मॉक टेस्ट के साथ मजेदार क्वेश्चन के साथ एल आई सी एग्जाम्स के लिए तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना टेक केयर गाइज बाबा गुड डे